हेलो फ्रेंड, आपका मेरे नेटिंग टिप्स चैनल में स्वागत है जी। देखिए, आज मैं आपको दो रंगों में जेड वाला डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शान सा डिजाइन है। आप इस डिजाइन को किसी भी बेबी स्वेटर में, लेडीज जॉकेट में डालेंगे, बहुत ही सुंदर बनेगा। इस डिजाइन को बनाने के लिए फंदे रखने होंगे, जैसे 4+4, ऐसे लास्ट आपने 3 फंदे ज़्यादा रखने होंगे। चलिए फिर आप बना कर देखेंगे जेड डिजाइन कैसे बनाया जाएगा। मैं आपको इसके ऊपर से ही डिजाइन को बनाना सिखाऊंगी। सीधी साइड अब हमारी पहली सिलाई। अब देखिए, ऐसे पहली सिलाई को हम सीधा बनाएंगे। इस बार हम देखिए सभी फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। जी देखिए, ऐसे मैंने सभी फंदे सीधे बना ले। ऐसे बैक साइड नंबर 2 सिलाई बनाएंगे। पहला फंदा आप कैसे भी करें बना ले, चाहे उतार लें ऐसे। उसके बाद देखिए, 1, 2, 3 फंदे हम ऐसे उल्टे बना देंगे। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद आप आगे इन 3 फंदों को एक साथ बनाएंगे ऐसे। 3 फंदे लेंगे, 3 फंदों का एक साथ बुनाई करेंगे ऐसे, धागा घुमाएंगे ऐसे। ये देखिए, हमें 3 फंदे बिना ले, इन 3 फंदों को हम ऐसे उतार देंगे। एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे ऐसे, फिर आगे 3 फंदे लेंगे, 3 फंदों को एक साथ बनाई करेंगे, उनको ऐसे घुमा लेंगे, दोबारा बुनेंगे। ये देखिए, 3 फंदे बिना उतार देंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे आगे, फिर 3 फंदों को एक साथ लेंगे, 3 फंदे बना देंगे ऐसे। एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, 3 फंदे लेंगे एक साथ, 3 फंदों के एक साथ बुनाई करेंगे, उनको ऐसे घुमाएंगे ऐसे। एक फंदा उल्टा, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे,
सॉरी एक फंदा उल्टा बनाया, तीन फंदों को एक साथ लेंगे, उनको ऐसे घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, तीन फंदे एक साथ लेंगे, ऐसे तीन फंदे बनाए, इन फंदों को उतार देंगे। लास्ट रहेंगे आपके पास ऐसे चार फंदे, आप इन्हीं चारों फंदों को उल्टा बना देंगे। जैसे देखिए हमारी दो सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, सीधी साइड आ जाइए। सीधी साइड अब हमारी नंबर तीन सिलाई बनेंगी। तीन नंबर सिलाई में अब हमारा फिर से कलर चेंज होएगा, ऐसे सीधी सिलाई बनाएंगे। इस बार हमारा कोई फंदा पर डिजाइन नहीं आएगा, सभी फंदों को हम ऐसे सीधा बुनेंगे। ये हमारा दो दो सिलाइयों का डिजाइन है। ऐसे हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। ये देखिए मैंने सीधी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली, बैक साइड नंबर चार सिलाई में आ गई। पहला फंदा तो ऐसे उतार लेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, ऐसे तीन फंदों को एक साथ लेंगे, तीन फंदों से हम तीन फंदे बनाएंगे। पहला फंदा ऐसे उल्टा बना लिया, एक बार ऊन को घुमाएंगे ऐसे, फिर दोबारा बुनेंगे। ऐसे देखिए हमारे जो तीन फंदे हो गए, इन तीनों फंदों को उतार देंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, तीन फंदों के एक साथ लेंगे, उल्टा फंदा बनाएंगे, एक बार उनको ऐसे घुमाएंगे, दोबारा बुनेंगे ऐसे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, तीन फंदों को एक साथ लेंगे, ऐसे घुमाएंगे, दोबारा बुनेंगे। ये देखिए तीन फंदे हो गए, इन फंदों को उतार देंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, तीन फंदों को एक साथ लेंगे। ये हमारी सेम रो बनेगी, बस एक फंदा उल्टा बनाएंगे, बैक साइड रो में अब ऐसे सभी फंदों को बनाएंगे। एक फंदा उल्टा बना लेंगे, तीन फंदों को एक साथ लेंगे ऐसे, लास्ट बचेंगे ऐसे दो फंदे, आप इन्हें उल्टा बना लेंगे। ऐसे हमारी चार नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। आपने ऐसे दो दो सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे, बनकर हमारा डिजाइन ये देखिए ऐसा दिखेगा। दो कलर से हमारी एक सिलाई बनेगी और दो कलर से एक सिलाई बनेगी, इन्हीं सिलाइयों को दोहराए जाएंगे, ऐसा हमारा डिजाइन बनता जाएगा। जी देखिए आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।